अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मन्नान हमीद। रंग एक खूबसूरत अलामत है, हम सबको अच्छे लगते हैं। ये रंग बहुत कुछ कहना चाहते हैं, हमसे बात करते हैं, और जब इन रंगों को यकजा किया जाए तो एक तख्लीक होती है, आर्ट की, पेंटिंग की, तस्वीरों की, लैंडस्केप की, और इन रंगों से खेलने वाले को मुसव्विर कहते हैं। फन मुसव्विरी की तारीख बहुत पुरानी है। दुनिया में बहुत से लोगों ने मुसव्विरी में बड़ा नाम पैदा किया और आज भी लोग उनको याद करते हैं। दुनियाए फन के आसमान पर वो सितारों की तरह चमक रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी गुजरे हैं और मौजूद भी हैं जो बहुत अच्छे फनकार होने के साथ साथ गुमनामी के अंधेरे में रहते हैं। उन्हीं में एक नाम है मोहम्मद याकूब का, जो अपने फन में भी यकता है और अपनी उम्र में भी यकता है। फन तो उनका आप देख ही लेंगे, लेकिन उम्र के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि उनकी उम्र है 93 साल। जी, इसके बावजूद माशाल्लाह हशाश बशाश हैं, काम करते हैं, तख्लीक करते हैं और अपने फन को पेश करने के लिए अपना शौक़ पूरा करते हैं। याकूब साहब से आपकी मुलाकात भी होगी, उनकी बातें भी सुनेंगे, उनके ख्यालात भी सुनेंगे और उनके फनपारों को भी देखेंगे। उनके साथ साथ उन लोगों को भी आप सुनेंगे जो याकूब साहब को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनके बारे में, उनके फ़न के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब्दुल करीम साहब से। हमारे सामने अब्दुल करीम साहब मौजूद हैं, जिन्होंने ये प्रोग्राम तरतीब दिया है अपनी सोच के मुताबिक, जो चाहते हैं कि याकूब साहब के फ़न को दुनिया के सामने रोशनास कराया जाए। अब्दुल करीम साहब का तारुफ मैं कुछ इस तरह से करूंगा कि ये शख्स एक बेलौस और बहुत मुखलिस इंसान है। लोगों के काम आकर इनको बहुत खुशी होती है और इन्होंने बे इंतहा दूसरे प्रोग्राम तरतीब दिए, जहां बहुत से फनकारों में अवार्ड तकसीम किए, वहीं शायर न होते हुए भी मुशायरे भी किए। आज का ये प्रोग्राम याकूब साहब के लिए जो इन्होंने तरतीब दिया और आपके सामने पेश कर रहे हैं, इनमें वो खुशी भी शामिल है जो इनके अंदर मौजूद है और चाहते हैं कि सीनियर और अच्छे फनकारों को दुनिया के सामने पेश कर सकें। तो आइए अब हम आपकी मुलाकात अब्दुल करीम साहब से करवाते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं। अब्दुल करीम साहब, ये बताइए कि आपकी मुलाकात याकूब साहब से कब हुई और किस तरह? याकूब साहब से मेरी मुलाकात, जब मैं हैदराबाद से कराची आया तो मैं, मेरे दोस्त हैं कमर नकवी साहब और फैयाज साहब, तो इन दो और भी अनगिनत लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से मैं याकूब साहब के बारे में बहुत कुछ जानता था। मेरी दिली आरजू थी कि मैं इनसे मुलाकात करूं। जब ये लोग, इन लोगों ने मुझे उनसे मिलवाया तो उनका काम जब मैंने देखा तो ऐसा लगा कि ऐसा काम कोई दूसरा नहीं कर सकता जैसा इन्होंने किया। अच्छा, ये बताइए कि क्या उस काम को देखकर आपके दिल में ये लगन पैदा हुई कि इनके फनपारों को मैं दुनिया के सामने पेश करूँ? बिल्कुल, फनपारे देखकर भी ऐसा महसूस हुआ कि यार ये चीज़ें इतने गुमनामी के अंधेरे में क्यों बैठे हुए हैं, और जब उनकी एज देखी तो और ज़्यादा महसूस हुआ कि ये इस उम्र में भी इतनी मेहनत करके काम कर रहे हैं। मैंने देखा है कि लोग ब्लैक एंड वाइट पेंसिल वर्क से काम करते हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें बनाते हैं, वहीं कलर से भी खेलते हैं। आपने इनके काम में क्या इनफरादियत महसूस की? क्या आया ये भी कलर से ही बनाते हैं या कुछ और? नहीं, इनका जो पेंसिल वर्क है ना, वो ऐसा महसूस होता है कि जैसे ऑलरेडी कलर से ही बना हुआ है, लेकिन जो पेंसिल वर्क इनका मिक्सिंग में जो काम इन्होंने किया है, वो हर एक के बस की बात नहीं है कि उतना डिटेल्स में जाकर उस काम को कर सके। यानी बारीक से बारीक, बारीक से बारीक, और ये समझ ले कि इतनी डिटेल वाइज काम है कि इन्होंने हर चीज़, हर मीडिया का इस्तेमाल किया, पेंसिल के साथ पेन का इस्तेमाल भी किया, और लेकिन वो जहाँ जो किया है ना, वो अपनी जगह मुस्तनद है। अच्छा, यानी कि पेंसिल वर्क आप बता रहे हैं तो वो पेंसिल वर्क रंगीन पेंसिल वर्क है, कलर पेंसिल, कलर पेंसिल। तो मैं समझता हूँ कि शायद मैंने जो अभी फनपारे इनके देखे, इससे पहले कलर पेंसिल में शायद इतने फनपारे नहीं देखे। नहीं,
बन पा रहे नहीं, लेकिन काम हुआ है कलर पेंसिल में, लेकिन जो काम इन्होंने किया है ना वैसा किसी ने नहीं किया। अच्छा ये बताइए कि आपने वैसे तो बहुत अवार्ड लोगों को दिए और मुशायरे भी कराए, तो क्या आपको शायरी का भी शौक है? मुझे बड़े दिल से सुकून मिलता है कि यार जिस फील्ड से मैं वाबस्ता हूँ उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, और आज मैं उसी हवाले से मुशायरे भी करवाता हूँ। तो मैं अपने उस्तादों की तस्कीन के लिए, मैं खुद शायर नहीं हूँ लेकिन मैं उनकी तस्कीन के लिए उनके लिए ये सारे काम करता हूँ। आर्टिस्टों के अवार्ड जो मैंने दिए हैं उसके अंदर भी मैंने हैदराबाद के कुछ लोगों को मधु कर रखा था, और वो बड़ा बहुत अच्छा तजर्बा रहा, वो हमारा बड़ा लोग खुश हुए उससे। यानी तस्कीन के साथ साथ खिदमत भी हो गई। खिदमत तो ये समझने वाले के लिए है, लेकिन मेरी अपनी अंदरूनी ख्वाहिश ये होती है कि किसी ना किसी तरीके से खिदमत की जाए। अच्छा जहां आपने उन लोगों के लिए बहुत काम किया जो आप बता रहे थे, आज के दिन के लिए मालूम करना चाहूँगा कि इतने सीनियर तरीन बहुत बड़े आर्टिस्ट को लेकर आपने जो ये बेड़ा उठाया है दुनिया के सामने पेश करने का, उनके फ़न को, उनके फनपारों को, उनके नाम को, आप क्या महसूस कर रहे हैं? मैं ये महसूस करता हूँ कि ये इन बुज़ुर्गों का हमारे ऊपर एक कर्ज़ है जो हमें चुकाना चाहिए, जो हम इनको इंट्रोड्यूस करके चुका सकते हैं। अगर उनके से हम लोग माली हेल्प नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उनके फ़न को इतना हम सराहे हैं कि उनको अंदर दिली तौर से खुशी हो। तो क्या सीनियर लोगों को ही लेके साथ चलेंगे या उन लोगों को भी जो वर्क कर रहे हैं आजकल? सीनियर लोगों के लिए इसलिए कि ये मायूस होकर कुछ कर नहीं रहे हैं, तो सीनियर लोगों को उभारने का एक यही एक जरिया है कि उनके काम को दोबारा से उभारा जाए ताकि वो इस पर दोबारा अपने हाथ पांव चलाएं और कुछ काम कर सकें और जहन भी चलाएं। आप दुनिया के लोगों को जो आप काम कर रहे हैं क्या बताना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे, और मज़ीद याकूब साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं दुनिया के लिए तो ये कहना चाहूँगा कि भाई सबको कुछ ना कुछ अपना हिस्सा डालना चाहिए इसके अंदर, कि जो कुछ वो कर सकते हैं उनको ज़रूर करना चाहिए। बाकी याकूब साहब के लिए ये है, मेरी दिली आरजू है कि अल्लाह ताला इनकी सरपरस्ती हमारे ऊपर कायम रखे और ये इसी तरह हमारे सामने काम पेश करते रहें और हम इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। बहुत शुक्रिया करीम साहब, आपके ख्यालात सुनकर, आपकी बातें सुनकर और आपकी इस बेलोस खिदमत करने पर। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। ये थे हमारे अब्दुल करीम साहब और इनके ख्यालात। अब हम आपको और लोगों से भी मिलवाएंगे और याकूब साहब के फन पारों को भी आपके सामने पेश करेंगे। हमारे सामने मौजूद हैं पाकिस्तान के मायानाज मुनफरिद और यकता आर्टिस्ट, बेमिसाल आर्टिस्ट मोहम्मद याकूब साहब, और इनके साथ मौजूद हैं इनके दो फर्जंद मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद जूनस। तो आइए आज हम इनसे बात करते हैं। जी याकूब साहब, आप अपने बारे में बताइए। अपने बारे में क्या बताऊं कि 10 साल की उम्र से इस लाइन में हूँ। मैं पेंटिंग का काम मैंने 800 से सीखा, कमर्शियल आर्ट मैंने मेरी कराची में सीखा, फाइन आर्ट मैंने कराची में सीखा। तो फाइन आर्ट 800 से सीखा मैंने। बाकी मैंने यहाँ बहुत काम किए, 500 रुपये महीने पर नौकरी की काम किया यहाँ पर। तो पेंटे के दुकान पर 15 रुपये में पाकिस्तान से पहले 15 रुपये महीने पर काम किया, चावला पेटा के नाम से। फिर 6 साल के बाद पाकिस्तान बना, फिर और पेंटिंग हाउस में 20 साल नौकरी की, 20 साल के बाद फिर मैंने अपना पार्टनरशिप में काम शुरू किया डिसेंट आर्ट के नाम से। तो 22 साल मैंने अपना
दुकान चलाई। उसके बाद मैंने फिनिश का काम बहुत किया, तो जब हमने काम बंद किया तो फिनिश वालों ने अपने पास रख लिया। अच्छा, मुझे उन्होंने मना कर दिया कि आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो हमको बैठे बैठे जो पैसे चाहिए थे वो दे देते थे, वो काम नहीं करने देते थे। तो फिनिश वालों ने हमारी बहुत मदद की है। अच्छा, कहा जाता है कि आपने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए काम किया, और ये भी कहते हैं कि उनके मोनो आपने तख्लीक किए। कैसे का मोनोग्राम बनाया था, कैसे का KESC का मोनो भी आपने बनाया? डेंटोनिक का बनाया, डेंटोनिक का बनाया, फिनिश का बनाया, फिनिश का तो बनाया सारे प्रोडक्ट सबसे, जो कि हमने फिनिश का काम किया। आपके उस्ताद मोहतरम कौन थे? उस्ताद हमारे देवजी दास थे। देवजी दास हमारे कच्चे थे, वो भी हमारी जबानी के थे। आप इसी फन से मुतालिक ही रहे या कोई खेल वगैरह भी खेला? खेलना बिल्कुल नहीं किया मैंने, कोई खेल नहीं खेला मैंने। यूसुफ, ये बताइए कि आपने अपने वालिद मोहतरम से काम सीखा, तो आप भी शोबे से मुतालिक हैं, कुछ कर रहे हैं? वो तो हमने काफ़ी इनसे सीखा, पहले साइन आर्ट से काम सीखते रहे, स्कूल भी जाते थे आधे टाइम, फिर जाके पप्पा से ड्राइंग वगैरह सीखते थे, फिर स्टेंसिल वगैरह का भी काम सीखते रहे। वैसे भी पप्पा हमें बहुत ट्रेन करते रहे, जैसे कि सब टीचर जैसे सबको सिखाते हैं, वैसे ही हमें बिल्कुल बच्चों की तरह सिखाया उन्होंने। यूनुस, आप ये बताइए कि आपके वालिद मोहतरम चूँकि आपके उस्ताद भी हैं और बाप भी, तो आपने इनको कैसा पाया, शफीक या सख्तगीर? सख्तगीर तो थे, क्योंकि अगर ये ना होते तो आज हम खुद भी इस मुकाम पे नहीं होते और इतना अच्छा आर्ट नहीं कर रहे होते। इन्होंने बिल्कुल उस्तादों की तरह सिखाया, जहाँ पे जब सीखते थे तो बिल्कुल बेटा समझ के नहीं इन्होंने जिसको भी, और काफ़ी लोग सीखते गए सबको बिल्कुल एक जैसा ही समझ के सिखाया। आप दोनों इसी से मुतालिक काम कर रहे हैं? उन जैसा बारीक काम वगैरह हम नहीं कर सकते, जो पेंसिल वर्क जो ये करते हैं, जो कलर मिक्सिंग का जो काम है सारा, जो हम लोग का जदीद हो रहा है तो कलर से होता है। आपने कलर पेंसिल का इंतखाब क्यों किया? ये भी मैंने ऐसे फालतू बैठे बैठे शुरू किया, मैंने एक रिटायर्ड होने के बाद किया, शुरू किया रिटायर्ड होने के बाद किया। पहले नहीं करते थे इसलिए पहले टाइम में डरता था। यूसुफ, क्या आप अपने वालिद मोहतरम के इस आर्ट को लेकर आगे चलना चाहेंगे? क्यों नहीं बहुत जरूर लेके जाएंगे। करीम साहब ने बस अभी हमने बेड़ा उठाया, उसको इंशाल्लाह कायम रखेंगे, अल्लाह ताला उनको भी कामयाबी दे। अभी भी कर ही रहे हम लोग पेंटिंग से, काम हमारा रेगुलर चल ही रहा है। आपके फन पारे जो घर में एक कोने में रखे हुए थे, आज वो फन पारे दुनिया देख रही है, आप क्या महसूस कर रहे हैं? हम महसूस कर रहे हैं कि अल्लाह ने फरिश्ता भेज दिया हमारे लिए, कि उन्होंने सब चीज़ों को आउट किया, उन्होंने अपने पास रखा और बहुत कुछ किया, लोग आजकल देख रहे हैं उसको। और ये जो महफिल आपके लिए सजाई है करीम साहब ने, आप इनके बारे में क्या कहते हैं? और उनके बारे में मैं कहता हूँ कि अल्लाह मैंने उनको बहुत अच्छा सबक किया है, कि हमारे लिए अल्लाह ने फरिश्ता भेज दिया कि वो जो कुछ कर रहे हैं हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। याकूब साहब, आपका और आपके दोनों फर्जंदों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अल्लाह हमारे सामने याकूब साहब के दो होनहार शागिर्द मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं कि अपने उस्ताद के बारे में क्या कहते हैं। जी रईस साहब, मैंने याकूब साहब को बहुत मुखलिस, बहुत रहमदिल, बहुत
करीब से देखा है। जब मैं ये काम सीखता था अपने दूसरे जगह पर, तो इनके जो बोर्ड साइन बोर्ड पहले हाथों से लिखा जाता था, अभी तो कंप्यूटराइज दौर है सारा। तो जब इनके बोर्ड लगते थे कराची में, तो हमारी ख्वाहिश होती थी कि हम इनके पास जाके काम सीखें। इनका काम बहुत अच्छा होता था यकूब साहब का। तो मैं वहाँ से काम छोड़ कर इनके पास चले गया। इनके पास मैंने काम किया 15-16 साल मैंने काम इनके पास किया था। जैसा कि आपने कहा कि इनको वो कदर व मंजिलत नहीं मिली, लेकिन आज करीम साहब ने इनके तमाम फन पारे दुनिया को दिखा दिए, आप इस मौके पर क्या महसूस करते हैं? ये बहुत बड़ी बात है जो करीम साहब ने ये बेड़ा उठाया है करने के लिए। तो करीम साहब भी एक बहुत अच्छे आदमी है, बहुत मुखलिस आदमी है जो इनके लिए ये काम कर रहे हैं। हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे इस काम में। जी फैयाज साहब, आप अपने उस्ताद के बारे में बताइए कि ये सख्त गिर थे या शफीक? जी मैं 1986 में इनके पास आया था काम सीखने के लिए। तो काम सिखाने के हवाले से बड़े असूल पसंद इंसान है ये, और बाकी मोहब्बत वाले भी इंसान हैं और दिल के अच्छे इंसान। फैयाज साहब, ये तो आपने की उसूल की बात, उस्ताद के फ़न के बारे में क्या कहेंगे? स्टेंसिल वर्क करते थे ये, जो कि मैं समझता था कि मैंने आज तक ना कहीं देखा है ना कभी कहीं ऐसा स्टेंसिल को काट सका जैसा ये स्टेंसिल काटते थे। बारीक से बारीक जो है स्टेंसिल काटा इन्होंने। और उसके बाद अभी ये आर्ट वर्क जो है ये भी माशाल्लाह इनका ऐसा है कि जो आज तक नज़र नहीं आया, जो पेंसिल वर्क है रंगों के साथ जो पेंसिल वर्क इन्होंने किया है, तो हमें तो नज़र नहीं आया कहीं भी। आज करीम साहब ने आपके उस्ताद के फन पारे दुनिया के सामने पेश किए, आप इस मौके पर क्या महसूस कर रहे हैं? मुझे दिली खुशी है कि इनके लिए इतना बड़ा प्रोग्राम बनाया है करीम भाई ने, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और दिली खुशी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मेरे सामने हैं दो चांद यानी दो कमर, एक कमर नकवी हैं और एक कमर अहमद। कमर नकवी बहुत पुराने और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, इन्होंने फ़न की बहुत खिदमत की है और ये उस्ताद मोहतरम जनाब याकूब साहब के बहुत करीब भी रहे हैं, तो इनसे मालूम करते हैं। जी कमर नकवी साहब, सबसे पहले तो मैं इस बात का शुक्रिया अदा करूँ करीम साहब की क्या जिसे इस मुकाम पर ले बनाया है, क्योंकि जब भी किसी फनकार से मिलता था तो याकूब साहब का जिक्र जरूर करता था कि उनसे मिले आप, जैसा कि अभी सबने जिक्र किया कि गुमनाम जिंदगी थी, तो मैं चाहता था कि सब दुनिया इनको देखे। करीम साहब माशाल्लाह एक अच्छी पोजीशन के मालिक थे, इखलाक का मालिक थे। तो मैंने इनसे कहा क्या इतफाक से खुशी हमारी बहुत हो रही है मुझे कि ये वहाँ चले गए और आज ये इस मुकाम पर हमारे। और जहाँ तक इनका ताल्लुक है हमारे याकूब साहब का, इनको मैं तकरीबन 45-50 साल से जानता हूँ। वाबस्तगी हमारी जब रही है, जब मेरे के उस्ताद की है उस्ताद है, जब ये उनके पास आने लगे तो फिर मेरा इनसे ताल्लुक हुआ, फिर मैंने इनका काम देखा। और ये इनकी क्या बात कर रही है तो उस्ताद को मैंने बताया ना आपको कि पेंटिंग लाइन से कोई भी ताल्लुक रखने वाला है वो इनको उस्ताद मानेगा हर एतबार से। डिज़ाइनर ये है बेहतरीन, अंग्रेजी बेहतरीन लिखने वाले, कटिंग करने वाले, मैं किस किस के बारे में बताऊँगा, वैसे सब कुछ बता ही चुके हैं माशाल्लाह सब लोग। और ये हैं कमर अहमद साहब, जिन्होंने फ़न की आबियारी के लिए दुनिया दुनिया की सैर की, मशीगुफ्ता गए, अमेरिका गए, यूरोप गए और अपने फ़न को वहाँ भी पेश किया, और आज भी अपने स्टूडियो में फ़न की खिदमत कर रहे हैं। कमर अहमद साहब, याकूब साहब के बारे में बताइए कि आप कितना कुछ जानते हैं इनके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं तकरीबन 70 की दहाई में आया था कराची, तो एक जगह काम करता था, वहाँ पर हमारे दोस्त थे नसीम, वो याकूब साहब के यहाँ काम करते थे और शबाब थे, तो उनके हवाले से मैं इनके यहाँ जाता था, तो बहुत बेहतरीन काम होता था इनके यहाँ और बहुत अच्छे डिज़ाइन बनाते थे ये, और बहुत से मशहूर डिज़ाइन इनके बनाए हुए हैं, जैसे डिनटॉनिक है, फिनिश है,
टाइफून इनके डिज़ाइन जो मोनोग्राम हैं वो सब उनके बने हुए लोग जानते हैं। फिर मैं तकरीबन 30-40 साल तक गायब रहा, बाहर घूमता रहा। फिर बिल्कुल फिर जब अभी दोबारा वापस आया हूँ तो मैं करीम साहब जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं बचपन के। ये कमर भी हमारे बचपन के दोस्त हैं, हम लोग एक ही बैच के लोग हैं। और तो उसके बाद में जब मैं आया करीम साहब से मिला तो करीम साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि एक याकूब साहब हैं। मैंने कहा उनको तो मैं जानता हूँ। तो उन्होंने कहा अगर उनको जानते हैं आप तो उनके फ़न देखें आपने। मैंने कहा नहीं। उन्होंने मुझे अपने रूम में लेकर दिखाया। मैंने जब मैंने देखा उनके फ़न तो मैं शॉक्ड हो गया। क्यों? क्योंकि मैं पेंटिंग करता था ऑयल पेंट से और दूसरा एक्रेलिक से। लेकिन बस जब मैंने देखा उनके तो वो तो उन्होंने बताया मुझे करीम साहब ने कि ये पेंसिल वर्क है। तो मुझे यकीन नहीं आया। तो पेंसिल वर्क ऐसा था जैसे कि लाइक ऑयल पेंटिंग। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे लिए तशरीफ लाए। आइए हम आपकी मुलाकात आज उन लोगों से करवाते हैं जिनका ताल्लुक याकूब साहब से रहा है और है भी। उनमें एक बड़ा नाम है, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, दिलशाद अहमद दहलवी साहब हमारे सामने मौजूद हैं। आइए इनसे इनके जज्बात पूछते हैं कि ये क्या फरमाते हैं। जी दिलशाद साहब, आप याकूब साहब के फ़न के बारे में और उनके अखलाक के बारे में क्या कहेंगे? याकूब साहब के बारे में क्या बताऊं मैं, मेहर को क्या दिया दिखाऊं मैं। अपने फ़न में ये बिल्कुल मुनफरिद हैं और मैं इनके जो तहरीरें मैंने देखी, जो इनकी ड्राइंग हैं या जो भी कुछ है, बहरहाल बहुत मुतासर हुआ हूं मैं। इसलिए कि इससे पहले ये हमारे जो उस्ताद गुजरे हैं ये उस टीम के, ये उस यानी हल्के के, उसमें इनका हाथ है। यानी जितना अच्छा काम उन लोगों ने किया है तो याकूब साहब का भी एक सबसे मुनफरिद काम है। आज़ाद साहब हुए, इंडिया के एसएम पंडित हुए, पाकिस्तान के उस्ताद अलाबख्श का एक नाम है बड़ा, हमारे उस्ताद अल्लाह रखा थे, वो भी मैमार थे जितनी तकरीबन यही उम्र होगी। और माशाल्लाह इनकी उम्र अल्लाह ताला इन्हें और हयाती दे, और ज़्यादा उम्र दे ताकि सरपरस्त कायम रहे। तो अपने याकूब साहब जो हैं तकरीबन मेरे हिसाब से 92 या 95 के दरमियान में है इनकी उम्र जो है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और मेरी दुआ ये है कि ये ऐसे लोग अभी नायाब हैं, ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और ये जो मेरे शागिर्द हैं अब्दुल करीम साहब, इन्होंने इनको दरियाफ्त किया है। यानी जैसे गुदड़ियों में लाल नहीं होते हैं, जी जी, इस तरीके से इन्होंने उनको कहीं से ला के हमारे सामने हम आए हैं, हमने देखा है, करीब से देखा, इनका फ़न इनके शाहपारे मौजूद हैं और वो भी बहुत मुख्तलिफ हैं औरों से। हालांकि खत्ताती और लोगों ने भी की, सातकीन वगैरह हुए, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काम ये किया है इस पर, लेकिन इनका काम उससे बिल्कुल मुनफरिद है। क्योंकि कागज़ के ऊपर इतनी बारीकी से, इतनी नफासत से काम करना ये हर एक के बस की बात नहीं है। मैं ख़ुद इनके फ़न से बहुत मुतासर हूँ, मेरी फील्ड भी यही है, मेरी लाइन यही है, मैं पहले यही काम करता था, तस्वीरें खत्ताती वगैरह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब देखा इनका काम तो वाकई मैं अपने आप को बड़ा छोटा समझने लगा, यकीन जाने। और ये उस दौर के लोग हैं कि इनका दौर बहुत आला दर्जे का दौर गुजरा। उस लोग उस वक्त कर्ज़दार थे लोग, राजा महाराजा बादशाह बहुत से लोग इनकी कदर किया करते थे। आज आपके होनहार शागिर्द अब्दुल करीम साहब ने याकूब साहब के लिए ही महफिल सजाई है, उनके फनपारों को दुनिया के सामने रोशनास कराया है। आप इस मौके पर क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो इनको दुआएं दूंगा और मेरी दुआएं इन दोनों के लिए हैं। अल्लाह ताला उन्हें हयाती दे, सेहत दे, और हमारे अब्दुल करीम को भी अल्लाह ताला सेहत दे, और इनके तमाम मामलातों को अल्लाह ताला तरक्की की तरफ ले जाए, बेहतर करेगा। जी करीम साहब, आप अपने उस्ताद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मनोहर भाई, आपका ताल्लुक भी उसी फील्ड से है जिससे हमारा है। उस्ताद मोहतरम दिलशाद साहब ने जो खिदमत अंजाम दिया आर्ट की,
सन 58 की बात है जब सदर आइजनहावर पाकिस्तान के दौरे पर आया था। उस वक्त अयूब खान प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। उस वक्त हमारे उस्ताद मोहतरम ने एक चावल के ऊपर सदर आइजनहावर की और एक चावल पर सदर अयूब खान की तस्वीर बनाकर आई गिलास में इनको सिफारत खाने में पेश की। वाह। क्योंकि आइजनहावर से तो मुलाकात नहीं हो सकी थी, लेकिन सिफारती हमले ने इनको बहुत अप्रिशिएट किया। इनके एजाज़ में समझ लो वो जो सर्टिफिकेट वगैरह जो थे वो भी दिए, और वो सर्टिफिकेट मैं खुद चश्मोदीद गवाऊँ जो मैंने देखे। तो ये बहुत बड़ा काम था जो इन्होंने किया, उससे पहले किसी ने भी इतना बारीक काम नहीं किया था। तो मैं इनका बड़ा ममनून हूँ कि हम ऐसे उस्ताद के शागिर्द हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ये थे याकूब साहब और उनके फ़न पारे। हम आइंदा भी इसी तरह फ़न से मुतालिक लोगों को आपके सामने पेश करते रहेंगे। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आइंदा भी इसी तरह के खूबसूरत प्रोग्राम आपके सामने पेश करें। और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलिएगा।